नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यदेव शर्मा। और आप सब लोग कैसे हो सर्दी में? मेरे इधर की जो सर्दी है बहुत ही भयंकर है। राजस्थान में तो बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है और बरसात भी हो रही है, मतलब तो स्टार्ट हो चुकी है। धीमे धीमे होता है ना, जो बूंद आ रही थी पहले तो, और अभी बरसात हो रही है। और ये सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 बजे बर्तन घस रही हूँ मैं। सुबह सुबह ठंडी में हाथ डालने का भी मन नहीं करता पानी में के हाथ डालो, फिर भी काम तो करना पड़ता है क्योंकि सुबह सुबह ही काम पे जाना होता है, तो टिफिन विफिन लगाना होता है, तो वो सब कुछ सुबह करना पड़ता है मॉर्निंग में। और सुबह सुबह अगर काम हो जाता है ना, तो फिर पूरे दिन भर आराम से बैठ के रजाई में बैठ के या तो बैठे रहो या सो लेट के सो लो, मतलब आराम से। फिर और आप लोग बोल रहे थे दीदी आप वीडियो डालो, आपने बाल क्यों कट कर दिए? तो वो तो मैं बता चुकी हूँ आपको बहुत बार कि मैंने बाल कट कर दिए, क्योंकि अभी मुझे बढ़ाने नहीं थे तो मैंने बाल कट कर दिए। और अभी बाल बढ़ाना स्टार्ट करूँगी तो मैं वीडियो डालूँगी। पर बहुत सी दी कह रही हैं कि आप अपने बालों को भी फिर से अच्छे से अच्छा करो और रेमेडी डालो, और मतलब हमें भी बताओ और साथ के साथ हमारे भी बाल अच्छे जाएं। तो वो मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ खुद भी अपने बालों को फिर से बड़ा करना। तो मैं जैसे ही रेमेडी डालूँगी वैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालती रहूँगी। वैसे अब मैं स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ पर कोई ना कोई काम आ जाता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। और वैसे मैं ब्लॉग डालूंगी, अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ तो मैं ब्लॉग में ही आप लोगों के लिए जो रेमेडी होती है हेयर की, मैं आप लोगों के लिए, मैं अभी सर्दी तो है, सर्दी का 1 महीना और है, 1-1.5 महीना तब ख़त्म हो जाएंगी सर्दी, तो हम रेगुलर स्टार्ट करेंगे। पर अभी मैं आप लोगों के लिए जैसे जो भी बेस्ट रेमेडी होगी जिससे हेयर फॉल रुकता होगा या बाल लॉन्ग होते हैं, वो रेमेडी मैं आप लोगों के लिए बोल के बता दूंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बता दूँ कि फ्लैक्स सीड, ठीक है, मेरे को कमेंट आया दीदी मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है और सर्दियाँ भी हैं, तो सर्दियों में आप फ्लैक्स सीड का ऑयल अच्छे से मसाज करें, या रतन जोत ऑयल है वो तिली के तेल में बनाए तो वो और भी बेस्ट रहता है इस टाइम पे। मैं ज़्यादा ना बनाए क्योंकि गर्मियों में वो लगा ही नहीं सकते। और एक फ्लैक्स सीड जो पैक है वो करें जिसमें आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें आप कलौंजी का पानी होता है ना उसको रात भर भिजो कर रखिए, कलौंजी को और उसका जो पानी होता है उसमें फ्लैक्स सीड को उबालिए, ठीक है। जब वो फ्लैक्स सीड जेल जैसा हो जाए ना तब उसको छान करके आप अपने बालों पर लगाएं, ठीक है। और उसको ज़्यादा ना लगाएं, मतलब थोड़ा सा हल्का, या कोई भी जो हॉट ऑयल है, कोकोनट ऑयल हॉट ऑयल आता है सर्दियों में, उसकी ड्रॉप डाल लीजिए या तो आप डालना चाहते हैं। और जिनकी ऑयली स्कैल्प है वो तो ड्रॉप डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ड्राई स्कैल्प है वो लोग ड्रॉप डाल सकते हैं, जैसे 4-5 ड्रॉप या आधी चम्मच ऐसे आप लोग डाल सकते हैं उसमें। और उसको अच्छे से आप हल्के हल्के हाथों से, कापूस से या रुई आती है ना रुई, उससे हल्के हल्के हाथों से आप जड़ों में लगाएं, मसाज ना करें जड़ों में लगाएं केवल, ठीक है, हल्के हल्के हाथों से, जैसे हम ऑयल कैसे लगाते हैं बस ऐसे ही लगाएं, पूरे बालों पर अप्लाई ना करें सर्दियों में, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा लगाएं और उसको छोड़ दें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। आप ये प्रोसेस करो कम से कम 1 महीने के लिए, तो आपके बालों में जो डैंड्रफ है, ठीक है, डैंड्रफ से भी हेयर फॉल होता है, वाइट बाल भी स्टार्ट डैंड्रफ से ही होते हैं, खुजलियाँ बारी बारी जो फुंसियाँ होती है वो सारी जो चीज़ें होती है वो डैंड्रफ से ही स्टार्ट होती है। और हेयर फॉल तो आपका अगर ये रेगुलर करोगे आप तो आपका रुक जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ताकि आप लोग इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सके सर्दियों में, सर्दी सर्दी करना है, ठीक है। और सर्दी के बाद भी अगर आप लोग इसको करना चाहे तो प्रॉपर आप इसको कर सकते हैं, पर किस तरीके से करनी है वो मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। ओके, बाय।